हेलो वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं कंचन और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ टॉप 10 बेस्ट कॉम्पैक्ट पाउडर अवेलेबल इन द मार्केट। इनकी जो स्टार्टिंग रेंज मैंने रखी है वो 150 रुपीज़ से स्टार्ट है, बट मैंने लो मीडियम हाई सारे रेंज के कॉम्पैक्ट इसमें इंक्लूड किए हैं। और इन सभी टॉप 10 कॉम्पैक्ट्स में ना आपको मिल जाएंगे एवरीडे वेयर, मीडियम कवरेज वेयर, लॉन्ग लास्टिंग, सनस्क्रीन, सारे कॉम्पैक्ट मैंने इसमें इंक्लूड किए हैं, तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा अपने लिए परफेक्ट कॉम्पैक्ट चूज़ करने के लिए। इन सभी कॉम्पैक्ट्स का मैं रिव्यू भी दूंगी, साथ साथ मैं डेमो भी दिखाऊंगी, तो आपके लिए डिफरेंस करना बहुत ही इजी हो जाएगा। एज यू नो गाइस कि मेरा जो चैनल है वो ब्यूटी रिलेटेड है, मैं मेकअप, स्किन केयर एंड डीआईवाई से रिलेटेड सारे वीडियोस मैं अपने चैनल पे बनाती हूँ। तो अगर आप कोई भी मेकअप लुक वीडियो देखना चाहते हैं इन सभी कॉम्पैक्ट में से किसी के भी साथ, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मुझे बहुत अच्छा लगेगा किसी भी कॉम्पैक्ट के साथ मेकअप लुक क्रिएट करने के लिए, और जिन्होंने रिक्वेस्ट किया होगा मैं उनका नाम भी उस वीडियो में लूँगी, तो ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होगा और इंटरेक्शन भी बढ़ेगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे। इस वीडियो को शुरू करने के पहले टेक अ मोमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए इस तरह के और भी ब्यूटी रिलेटेड वीडियोज़ को देखने के लिए। तो चलिए देख लेते हैं आज का वीडियो। जो मेरा फर्स्ट कॉम्पैक्ट है वो लैक्मी का कॉम्पैक्ट है। ये है लैक्मी का रेडियंट कॉम्पैक्ट, जो इस तरह के पैकेजिंग में आता है, आप देख सकते हैं। इसमें आपको 4 कलर शेड मिल जाएंगे, जो इसमें मेरा कलर शेड है वो है नेचुरल मार्बल, जो फेयर टू वीटी स्किन टोन के लिए बहुत अच्छा होता है। इसका जो MRP है वो 150 रुपीज़ है। ये विटामिन ई के साथ ये कॉम्पैक्ट आता है, तो आपकी स्किन को ये नेचुरल ग्लो देता है एंड आपकी स्किन को मॉइस्चराइज भी ये करता है। सेंसिटिव एंड ऑयली स्किन वालों के लिए बहुत अच्छा है। एवरी डे के लिए अगर आप कोई लाइट वेट ढूंढ रहे हैं ना कॉम्पैक्ट माइल्ड फ्रेग्रेंस के साथ, तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। इसमें आपको 9 ग्राम की क्वांटिटी की प्रोडक्ट मिलेगी। मैं इसका पैकेजिंग भी आपको दिखाऊंगी। ये आपको मिरर के साथ मिलता है और एप्लीकेटर के साथ ही आपको मिलता है। मैं इसे एप्लीकेटर के साथ ही अप्लाई करके दिखाऊंगी। मैं इसे 2 times अप्लाई करूंगी, जिससे आपको समझ में आएगा कि फर्स्ट एप्लीकेशन और सेकंड एप्लीकेशन के बाद ये कैसे दिखेगा स्किन पर। तो आप देख सकते हैं सेकंड एप्लीकेशन के बाद दोनों हाथों में डिफरेंस। लैक्मी के रेंज में अफोर्डेबल प्राइस में सन प्रोटेक्शन के साथ अगर आप एक अच्छा कॉम्पैक्ट लेना चाहते हैं, तो आप ट्राई कर सकते हैं लैक्मी का सन एक्सपर्ट अल्ट्रा मैट कॉम्पैक्ट, जिसका MRP 230 रुपीज़ है। इसमें आपको 7 ग्राम की क्वांटिटी मिल जाएगी। ये आपको अच्छा खासा सन प्रोटेक्शन देता है। SPF 40 PA++ आपको प्रोटेक्शन इसमें मिलता है, तो आप इसे सिंगल भी वेयर कर सकते हैं और चाहे तो मेकअप के ऊपर भी वेयर कर सकते हैं। बट इसका एक ड्रॉ पॉइंट है ना कि ये सिर्फ एक शेड में आता है, तो लो टू मीडियम कॉम्प्लेक्शन वालों के ऊपर ये थोड़ा सा व्हाइटिस दिख सकता है, अदरवाइज ये बहुत अच्छे से आपकी स्किन को मैटिफाई रखता है, लॉन्ग लास्टिंग होता है, ऑल फ्री बनाता है। बट पता नहीं मुझसे ये कहाँ खो गया, मुझे मिल ही नहीं रहा था, तो मैं स्क्रीन पर इसका पिक्चर शेयर कर दूंगी, तो आप देख सकते हैं, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। ये वन ऑफ द बेस्ट कॉम्पैक्ट है अगर आप सन प्रोटेक्शन के साथ लेना चाहें तो। जो मेरा सेकेंड ऑप्शन है वो पर्पल का कॉम्पैक्ट है, जो इस तरह के पैकेजिंग में आता है। इसका MRP 199 रुपीज़ है, बट पर्पल के ऐप से ना ये आपको बहुत इजीली डिस्काउंट में मिल जाएगा। इसमें आपको 4 कलर शेड के ऑप्शन मिल जाएंगे। जो मेरा कलर शेड है वो बेस सेल्फ केयर 3 है, जो विटिश टू मीडियम कॉम्प्लेक्शन के लिए बहुत ही अच्छे से वर्क करता है। बहुत ही माइल्ड इसका फ्रेग्रेंस है एंड बिल्कुल भी स्किन पर केकी और एशी नहीं दिखता है, लाइक योर ओन स्किन की तरह ये दिखेगा। जिन लोगों को ना कॉम्पैक्ट एंड पाउडर लगाना ज़्यादा पसंद नहीं है, उनके लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। क्रूल्टी फ्री ये कॉम्पैक्ट है, तो एवरीडे के लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। प्रोडक्ट के बैग में आपको शेड मिल जाएगा मेंशनड। ये SPF के साथ आपको मिलता है, 9 ग्राम का इसका क्वांटिटी है। ये आपको मिरर एंड एप्लीकेटर के साथ आपको मिलता है। मैं इसे भी 2 times अप्लाई करूँगी, जिससे आपको पता चलेगा कि फर्स्ट एप्लीकेशन के बाद एंड सेकेंड एप्लीकेशन के बाद ये कैसे स्किन पर दिखेगा, तो आप दोनों हाथों में डिफरेंस देख सकेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन मेरा मेबलिन फिटमी का कॉम्पैक्ट है, जो इस तरह के पैकेजिंग में आता है। इसका MRP 199 रुपीज़ है। इसमें आपको 3 कलर शेड मिल जाएंगे। जो मेरा कलर शेड है वो 109 है, लाइट इवोरी, जो वार्म अंडरटोन के लिए बहुत ही अच्छा ये शेड है। मीडियम टू फेयर कॉम्प्लेक्शन में ये बहुत अच्छे से वर्क करता है। ये आपको हल्का फुल्का कवरेज भी देता है, तो फाउंडेशन के बेस को सेट करने के लिए ये कॉम्पैक्ट बहुत अच्छा है। ये SPF के साथ आता है, तो आपको यहाँ पे SPF 28 PA++ आपको मिल जाता है प्रोटेक्शन, तो एवरीडे के लिए भी बहुत अच्छा है। बहुत ही ऑयल कंट्रोल करता है आपकी स्किन पर, तो ये फाउंडेशन के बेस को भी सेट करता है और आपको एवरीडे के लिए प्रोटेक्शन भी देता है, तो ये वन ऑफ द बेस्ट कॉम्पैक्ट मुझे इस रेंज में लगा।
प्रोडक्ट में ही मेंशन है कि 12 आवर्स के लिए आपकी स्किन को ऑयल फ्री बनाकर रखता है, 8 ग्राम आपको इसकी क्वांटिटी मिल जाएगी। वैसे ये मिरर के साथ आता है बट पैकेजिंग खुलते ही इसका मिरर गिरकर टूट गया, इसलिए आपको नहीं दिख रहा है। मैं इसके साथ आए हुए एप्लीकेटर के साथ ही इसे अप्लाई करूँगी। मैं इसे 2 times अप्लाई करूँगी जिससे आपको डिफरेंस पता चलेगा कि फर्स्ट एंड सेकेंड एप्लीकेशन के बाद ये आपकी स्किन पर कैसे दिखेगा। जो मेरा नेक्स्ट ऑप्शन है वो लैक्मे का 9 to 5 प्राइमर मैट पाउडर फाउंडेशन है, जो इस तरह के शाइनिंग पैकेजिंग में आते हैं, आप देख सकते हैं। इसका जो MRP है वो 575 rupees है। इसमें आपको 6 कलर शेड मिल जाएंगे। जो मेरा कलर शेड है वो सिल्की गोल्डन है, जो मेरे स्किन टोन से बिल्कुल मैच करता हुआ कलर शेड है। इसकी सबसे अच्छी बात मुझे लगती है कि ये फ्रेग्रेंस फ्री है, इसमें कोई भी फ्रेग्रेंस मुझे नहीं लगता है। तो मुझे फ्रेग्रेंस फ्री चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती है रेदर देन जिसमें बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस होता है। तो इसके लिए भी ये मुझे बहुत पसंद है। ये क्लेम करता है कि इसमें फाउंडेशन, कंसीलर एंड कॉम्पैक्ट सारे के बेनिफिट हैं, तो ये आपको अच्छा खासा कवरेज भी देता है। तो जो लोग मेकअप करना पसंद नहीं करते हैं और एवरीडे के लिए मेकअप करना नहीं चाहते हैं, और कभी कभी ऐसा होता भी कि हमारा मूड नहीं होता है मेकअप करने का, तो जस्ट सनस्क्रीन के ऊपर इसे लगा लिया एंड यू आर रेडी टू गो। बहुत लाइट वेट होता है, स्किन को मैटिफाई करता है, ऑल फ्री ये कॉम्पैक्ट है, आपकी स्किन को 6 to 7 hours के लिए ये ऑल फ्री बना के रखता है। लॉन्ग वेयर के लिए भी बहुत अच्छा है, तो हाईली रिकमेंडेड ये कॉम्पैक्ट है लैक्मे के रेंज में। ये मुझे बहुत अच्छा प्रोडक्ट लगता है, तो ये आपके पास जरूर होना चाहिए, ऑल इन वन कॉम्पैक्ट। इसमें आपको 9 ग्राम का क्वांटिटी मिल जाता है। ये लॉन्ग लास्टिंग मैट फिनिशिंग देता है। ये क्लेम करता है कि आपको प्राइमर, फाउंडेशन एंड पाउडर का आपको ये बेनिफिट देता है। मैं इसका पैकेजिंग भी आपको दिखा रही हूँ। ये मिरर के साथ आता है और पाउडर के नीचे आपको केस मिलता है जहाँ आप अपना एप्लीकेटर रख सकते हैं। इसका एप्लीकेटर बहुत ही सॉफ्ट है, स्पंजी टाइप का है, आप देख सकते हैं। तो मैं स्पंज की हेल्प से हल्के हाथों से रब करते हुए प्रोडक्ट को ले लूँगी। आप देख सकते हैं कितना आपको लेना है, बहुत ही थोड़ा लेना होता है। और मैं इसे अपने हाथों में जस्ट टैप टैप करते हुए अप्लाई कर रही हूँ। अगर आपको अच्छा कवरेज चाहिए ना, तो आपको इसे इस तरह ही अप्लाई करना है टैप टैप करते हुए। आप चाहे तो ब्रश की हेल्प से भी अप्लाई कर सकते हैं अगर आपको ज़्यादा कवरेज नहीं चाहिए। तो आप देख सकते हैं जैसा कि ये क्लेम करता है, ये आपको अच्छा खासा कवरेज देता है। आप दोनों हाथों में डिफरेंस देख सकते हैं। नेक्स्ट जो मेरा ऑप्शन है वो मेबलिन फिटमी का लूज फिनिशिंग पाउडर है, जो इस तरह के पैकेजिंग में आता है। इसका MRP 695 rupees है। इसमें आपको 4 कलर शेड मिल जाएंगे। जो मेरा शेड है वो लाइट मीडियम 20 है। लॉन्ग लास्टिंग सेटिंग पाउडर है ये, आपकी स्किन पर ये बिल्कुल ड्राई नहीं होता है। ऑयली, नॉर्मल, ड्राई सारे स्किन टाइप इसका यूज़ कर सकते हैं। इसका टेक्स्चर जो है बहुत ही स्मूथ है, लाइक बटर ब्लेंड हो जाता है बहुत आसानी से स्किन पर। आपकी स्किन को लॉन्ग टाइम के लिए ऑयल फ्री बनाकर रखता है। एक जो चीज़ है मुझे इसकी अच्छी नहीं लगती है, इसके जो सारे शेड है ना वो सारे पीची एंड ऑरेंज अंडरटोन में आते हैं। जैसे कि मेरी स्किन वॉर्म अंडरटोन में आती है, येलो अंडरटोन में आती है, तो अगर ये थोड़ी सी वॉर्म अंडरटोन में आती ना तो ये ज़्यादा सेटिस्फाई हो सकती थी, बट एप्लीकेशन के बाद ऑल ओवर ही अच्छा ही लगता है। ये लूज पाउडर ना बहुत अच्छा है एज अ बेकिंग के लिए, स्पेशली अंडर आई, क्योंकि हमारी अंडर आई ना बहुत जल्दी ड्राई हो जाती है। तो जब हम ये लूज पाउडर का यूज़ करते हैं ना अपने अंडर आई, तो ये बिल्कुल हमारे अंडर आई को ड्राई और केकी नहीं करता है। स्पेशली मेरी अंडर आई बहुत ही ड्राई है, तो ये बहुत अच्छे से वर्क करता है मेरे अंडर आई बेक करने के लिए। एंड ये अच्छा खासा आपको कवरेज भी देता है, तो ये वन ऑफ द बेस्ट लूज पाउडर है इन द मार्केट। प्रोडक्ट में मेंशन है कि आपकी स्किन के टेक्सचर को स्मूथ बनाता है, शाइन कंट्रोल करता है, आपकी स्किन को फ्रेश एंड नेचुरल लुक देता है। इसमें आपको 9 ग्राम की क्वांटिटी मिल जाएगी। मैं इसे ओपन करके दिखा रही हूँ। इसमें आपको कोई भी मिरर एंड एप्लीकेटर नहीं मिलेगा। तो मैं इसे वेट ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अप्लाई करूँगी। इसे भी मैं 2 times अप्लाई करूँगी जिससे आप डिफरेंस देख सकेंगे। तो आप देख सकते हैं जब मैं इसे अप्लाई करूँगी ना, तो ये बिल्कुल आपके स्किन पर ब्लेंड हो जाता है लाइक योर ओन स्किन। बिल्कुल भी कोई भी वाइट स्कार्स नहीं, एशी नहीं लगता है स्किन पर। तो आप दोनों हाथों में डिफरेंस देख सकेंगे ये कितना अच्छे से स्किन पर ब्लेंड हो जाता है। जो मेरा नेक्स्ट ऑप्शन है वो फेसेस कनाडा का वेटलेस स्टे मैट कॉम्पैक्ट है, जो इस तरह की पैकेजिंग में आता है। इसका MRP 199 rupees है। इसमें आपको 4 कलर शेड मिल जाएंगे। जो मेरा शेड है वो नेचुरल 02 है।
पैराबेन फ्री ये कॉम्पैक्ट है, तो ये सुन के तो मुझे ऐसे ही अच्छा लग गया। एंड आपको SPF 20 के साथ ये मिल जाता है, UVA एंड UVB का भी प्रोटेक्शन देता है। इसमें विटामिन ई एंड शिया बटर है, तो ये आपकी स्किन को मैटिफाई तो करता ही है बट आपकी स्किन को ये ड्राई नहीं करता है। तो ऑयली नॉर्मल ड्राई सारे स्किन टाइप वाले इसका यूज़ कर सकते हैं। आप इसे चाहें तो अपने फाउंडेशन के बेस को सेट करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, और चाहे तो इसे सिंगल भी यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि ये जो कॉम्पैक्ट है ना, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस का है और टीनेजर और बिगनर्स के लिए बहुत ही अच्छा है। ऑल ओवर ये आपको सारा प्रोटेक्शन भी दे रहा है, मैटिफाई भी कर रहा है, अच्छा खासा कवरेज भी दे रहा है और पैराबेन फ्री भी है। तो ये एवरीडे के लिए मुझे बेस्ट लगता है और मैं इसे अप्लाई भी करती हूँ एवरीडे के लिए। तो ये वन ऑफ द बेस्ट कॉम्पैक्ट है इस रेंज में। ये वेट लेस मैट कॉम्पैक्ट है, आपको इसमें 9 ग्राम की क्वांटिटी मिल जाएगी। ये मिरर एप्लीकेटर के साथ आपको मिलेगा, बट इसका एप्लीकेटर मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है। मैं इसे हमेशा ब्यूटी ब्लेंडर के साथ ही अप्लाई करती हूँ, बट मैं इसे अभी इसके एप्लीकेटर के साथ ही अप्लाई कर रही हूँ। इसे मैं 2 टाइम्स अप्लाई करूँगी, जिससे आपको डिफरेंस पता चलेगा कि फर्स्ट एंड सेकेंड एप्लीकेशन के बाद ये स्किन पर कैसे दिखता है। जो मेरा नेक्स्ट ऑप्शन थे वो शुगर का बनाना कॉम्पैक्ट, जो इस तरह के पैकेजिंग में आता है। इसका हमारे 599 रुपीज है और इसमें आपको सिर्फ एक ही शेड मिलेगा। ये परफेक्ट मेकअप सेटिंग कॉम्पैक्ट है, आपकी स्किन पर ये वॉर्म हाईलाइट ऐड करता है बिना आपकी स्किन को वाइटन दिखाए। तो एज हम इंडियन स्किन टोन वाले हो जो होते हैं ना, जैसे कि मीडियम और विटिश कॉम्प्लेक्शन वाले होते हैं ना, उन पर बनाना पाउडर बहुत अच्छे से वर्क करता है। मुझ पर ये बहुत अच्छे से वर्क करता है, मेरी स्किन को ये ब्राइटन दिखाता है बिना मेरी स्किन को वाइट दिखाए। तो इसलिए मुझे बनाना पाउडर लगाना बहुत अच्छा लगता है। और जितने भी मार्केट में बनाना पाउडर है ना, वो सारे लूज फॉर्म में मिलते हैं, बट शुगर का ये जो बनाना कॉम्पैक्ट है ना, ये प्रेस्ड कॉम्पैक्ट फॉर्म में आता है, तो इसे यूज़ करना बहुत ईजी भी हो जाता है। ये स्किन पर बहुत अच्छे से अब्जॉर्व हो जाता है, आपकी स्किन को बहुत ही फ्रेश और ग्लोइंग बना देता है। तो वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट है शुगर का ये, मुझे ये पर्सनली बहुत पसंद है। एवरी डे के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि ये पैराबेन फ्री, क्रूल्टी फ्री और मिनरल ऑयल फ्री है, तो बहुत अच्छे से आपकी स्किन पर वर्क करता है। तो ये मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है। इसमें आपको 6 ग्राम प्रोडक्ट की क्वान्टिटी मिलेगी, ये मिरर के साथ आपको मिलता है। और पाउडर के नीचे आपको एप्लीकेटर रखने का स्पेस भी मिलता है। इसका एप्लीकेटर बहुत ही सॉफ्ट है, लाइक अ पफ। एंड इसके बिहाइंड में ना आपको इस तरह का रिबन भी मिलता है शुगर लिखा हुआ, जिससे आप इसे फिंगर्स में स्टक कर सकते हैं, जिसे लगाना बहुत इजी भी हो जाता है। तो मैं स्पंज में प्रोडक्ट को लूँगी और इसे मैं 2 टाइम्स अप्लाई करूँगी। माय गॉड, आप देख सकते हैं ये मेरी स्किन को इंस्टेंटली ब्राइटन बना दिया बिना वाइट दिखाए हुए। बहुत अच्छा ये कॉम्पैक्ट है, आपके पास ज़रूर होना चाहिए अगर आप एक अच्छा कॉम्पैक्ट ढूंढ रहे हैं। तो 2 टाइम्स अप्लाई करने के बाद आप डिफरेंस देख सकते हैं। नेक्स्ट जो मेरा ऑप्शन है वो एलेगल का प्रो पाउडर SD हाई डेफिनेशन सेटिंग पाउडर है, जो इस तरह के पैकेजिंग में आता है। इसका MRP 1000 रुपीज़ है और इसमें आपको 2 शेड मिल जाएंगे, एक वाइट ट्रांसलूसेंट फॉर फेयर कॉम्प्लेक्शन के लिए और एक मिल जाएगा येल्लो बनाना, जो मीडियम टू फेयर कॉम्प्लेक्शन पर जिनके वार्म अंडरटोन होते हैं ना, उन पर बहुत अच्छे से सूट करता है। जैसे हमारे जैसे इंडियन स्किन टोन पर ये बहुत अच्छे से सूट करता है। वैसे भी जो बनाना पाउडर्स होते हैं ना, वो यूनिवर्सल वियरेबल शेड्स होते हैं जो सारे स्किन टोन पर अच्छे से वर्क करते हैं, स्पेशली वार्म अंडरटोन वालों पर। तो मुझे ये पर्सनली बहुत अच्छा लगता है। थोड़ा सा ये प्राइजी है बट स्किन पर ये बहुत अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाता है, आपकी स्किन को ब्राइटन दिखाता है बिना स्किन को वाइटन किए हुए। तो ये मुझे पर्सनली बहुत ही अच्छा लगा। वैसे भी ये जो एलेगल का बनाना पाउडर है ना, इसके पार्टिकल्स बहुत ही माइल्ड होते हैं, तो बिल्कुल भी आपकी स्किन केकी और ऐशी नहीं लगती इसको लगाने के बाद। तो ये मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। तो ये वन ऑफ द बेस्ट बनाना पाउडर इन द मार्केट में है। इसमें आपको 5 ग्राम की क्वांटिटी मिल जाएगी। जो मेरा शेड है वो येल्लो बनाना है, मैं इसे ओपन करके दिखा रही हूँ। इसमें आपको कोई भी मिरर नहीं मिलेगा, एज अ एप्लीकेटर आपको एक सॉफ्ट पफ मिल जाता है। पफ का हालत देख के आप समझ सकते हैं कि मैंने इसे कितना यूज़ किया है। तो इसे निकालने के लिए मैं इसे जस्ट उल्टा करके हल्के हाथों से टैप करूँगी, जिससे प्रोडक्ट बाहर आ जाएगा और पफ की हेल्प से मैं इसे स्किन पर अप्लाई कर लूँगी। इसे भी मैं 2 टाइम्स अप्लाई करूंगी। आप देख सकते हैं इंस्टेंटली मेरा जो स्किन है वो ब्राइट हो गया, तो आप दोनों हाथों में डिफरेंस देख सकेंगे।
जो मेरा नेक्स्ट ऑप्शन है वो Maybelline Fit Me का मैट प्लस पोरलेस कॉम्पैक्ट है, जो इस तरह के पैकेजिंग में आता है। इसका MRP 480 rupees है और इसमें आपको 9 कलर शेड मिल जाएंगे, तो आपके पास बहुत ऑप्शन होगा अपने स्किन टोन के अकॉर्डिंग परफेक्ट कॉम्पैक्ट चूज करना। जो मेरा शेड है वो 220 है नेचुरल बेज, तो ये वन ऑफ द मेरा बेस्ट और फेवरेट कॉम्पैक्ट है, क्योंकि अभी मैंने इसे ही वियर किया है, तो आप देख सकते हैं। एंड ये आपको बहुत अच्छा खासा कवरेज देता है, मीडियम कवरेज ये आपको देता है। आप इसे एज अ फाउंडेशन के ऊपर अपने फाउंडेशन को सेट करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, और चाहे तो आप इसे सिंगल भी यूज़ कर सकते हैं। मुझे पर्सनली पसंद है इसे यूज़ करना वेट ब्यूटी ब्लेंडर के साथ। जब मैं इसे वेट ब्यूटी ब्लेंडर के साथ यूज़ करती हूँ ना अपने स्किन पर, तो मुझे ये बहुत अच्छा कवरेज देता है, तो मुझे ये बहुत पसंद आता है। एंड वैसे भी ये क्लेम करता है कि 12 आवर्स वेयरेबल है ऑन स्किन पर, तो ये लॉन्ग लास्टिंग कॉम्पैक्ट के लिए ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। अगर आपको ओपन पोर्स की प्रॉब्लम भी है ना, तो ये आपके पोर्स को इनविजिबल भी दिखाने में हेल्प करता है, तो ये वन ऑफ द मेरा फेवरेट कॉम्पैक्ट है। प्रोडक्ट में मेंशन है कि 12 आवर्स वेयरेबल लॉन्ग लास्टिंग शाइन कंट्रोल कॉम्पैक्ट है। इसमें आपको 8.5 ग्राम की क्वांटिटी मिल जाएगी प्रोडक्ट की। इसका पैकेजिंग मैं आपको दिखा रही हूँ, कॉम्पैक्ट के नीचे आपको स्पेस मिलेगा एप्लीकेटर रखने का, और मिरर के साथ ही आपको मिलता है। इसका एप्लीकेटर बहुत ही सॉफ्ट है, लाइक अ स्पंज। क्योंकि ये मेरा सेकेंड परचेज है, इसलिए आपको इसका जो है कॉम्पैक्ट का स्पंज बहुत ही क्लीन लग रहा है, तो मैं प्रोडक्ट को स्पंज में पिक करूँगी और इसे टैप टैप करते हुए अपने हाथों में मैं अप्लाई कर रही हूँ। अगर आपको अच्छा खासा कवरेज चाहिए ना कॉम्पैक्ट के साथ, तो आपको इस तरह से टैप टैप करते हुए उसे अप्लाई करना चाहिए। अदरवाइज अगर आपको मैटिफाई करना है अपना फेस, सेट करना है अपना फेस, तो आप ब्रश की हेल्प से भी अप्लाई कर सकते हैं। जो मेरा लास्ट ऑप्शन है वो मैक का स्टूडियो फिक्स पाउडर फाउंडेशन है, जो इस तरह के पैकेजिंग में आता है। इसका MRP 2900 rupees है। इसमें आपको 38 कलर शेड मिल जाएंगे, तो आपके लिए बहुत आसान होगा अपने लिए परफेक्ट कॉम्पैक्ट चूज करना। जो इसमें मेरा शेड है वो NC41 है। ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो मेकअप करना पसंद नहीं करते हैं, फाउंडेशन एंड कंसीलर को ब्लेंड करने में ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करना नहीं चाहते हैं, तो जस्ट गो फॉर दिस, क्योंकि ये एक ऐसा कॉम्पैक्ट है जो आपको फाउंडेशन, कंसीलर, कॉम्पैक्ट तीनों का बेनिफिट दे देता है। आपको ज़्यादा क्वांटिटी इसकी लगती भी नहीं है, थोड़ी सी क्वांटिटी लेनी होती है आपको स्पंज में, उसे जस्ट स्प्रेड कर लेना होता है। तो ये बहुत लाइट वेट होता है, बहुत लॉन्ग लास्टिंग होता है, और ये बहुत अच्छे से स्किन पर ब्लेंड हो जाता है लाइक योर ओन स्किन। मैं इसे तब लगाना ज़्यादा पसंद करती हूँ ना जब मेरे पास टाइम नहीं होता है कुछ अप्लाई करने का, तो मैंने जस्ट सनस्क्रीन लगाया इसके ऊपर, इसे टैटअप कर लिया और सेटिंग्स पर लगा के आई जस्ट रेडी टू गो। तो ये तब बहुत अच्छे से वर्क करता है जब मेरे पास टाइम नहीं होता है। तो अगर आप एक कॉम्पैक्ट के ऊपर, अच्छा कॉम्पैक्ट के ऊपर इन्वेस्ट करना चाहते हैं ना, तो यू गो फॉर दिस। मिरर के साथ ही आपको मिलता है और कॉम्पैक्ट के नीचे आपको स्पेस मिलता है एप्लीकेटर रखने का। इसका एप्लीकेटर बहुत ही सॉफ्ट है, लाइक अ स्पंज। इसे देख के आपको लग ही रहा होगा कि मैंने इसको कितना यूज़ किया है इसकी हालत देख के, तो मैं बहुत ही थोड़ा सा पिक करूँगी स्पंज में हल्के हाथों से रब करते हुए, बहुत ही थोड़ा क्वांटिटी इसका लगता है, और मैं इसे अपने हाथों पर अप्लाई करूँगी। माय गॉड, आप देख सकते हैं ये बहुत ही पिगमेंटेड है, एक बार में ही ये अपना काम कर देता है, आपको इसे दोबारा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप दोनों हाथों में डिफरेंस देख सकते हैं। तो ये थे मेरे टॉप 10 बेस्ट कॉम्पैक्ट पाउडर इन द मार्केट। आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए, आपके लिए हेल्पफुल रहे, इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा, इट मीन्स अ लॉट। ये हमें बहुत इंकरेज करता है कि मैं और भी इस तरह के अच्छे अच्छे वीडियोज़ आपके साथ शेयर करूँ। एंड सी यू टू माई नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।